अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यार आप सबको पता होगा कि तकरीबन एक महीने से भी ज़्यादा हो गया कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कोई व्लॉग मेरा नहीं आया। तो उसका रीज़न ऑफिस कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी ना, तो मजबूरी कुछ ये भी थी कि काम की भी थी और उससे ज़्यादा जो मजबूरी थी कि मेरे पास जो मोबाइल था वो टूट गया था। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले एक और सरप्राइज़ है। चेक करें हमारी कैटो का काम, देखें कि ये क्या कर रही। ओए तेरी मानो, कर क्या रहा है तू इधर? हाँ सो रहा है तू? तो यार मेरा ना जो पहले वाला मोबाइल था, ये मोबाइल था ठीक है, तो ये क्या था टूट। आप ये देख सकते हैं कि ये टूट गया था। ये तकरीबन 2020 में मैंने ये लिया था 400 समथिंग का ठीक है। तो इससे मैं पहले व्लॉगिंग कर रहा था, मेरा चल रहा था अच्छा, लेकिन अभी इसके टूटने के बाद मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। तो अभी जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक पुराना मोबाइल पड़ा था, तो मैंने वो उठा के इसको चलाना शुरू कर दिया। तो इस पर इतना कोई अच्छा रिजल्ट वगैरह भी नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने वीडियो कोई अपलोड नहीं की। तो सीन ये है कि सरप्राइज़ है आज के लिए कि आज हमने एक मोबाइल लेना है और मोबाइल कोई अच्छा लेना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं इस टाइम और आप गेस कर सकते हैं, तो अभी इधर वीडियो को स्टॉप करें और अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा मोबाइल लेना है हमें, अगर आपको पता है तो। वरना मैं लेने जा रहा हूं मोबाइल, ये आपके लिए सरप्राइज़ है। कोई अच्छा सा मोबाइल लेते हैं, अब देखते हैं वो कौन सा होगा, तो आपके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे फिर। तो चलें फिर मेरे साथ साथ चलते हैं यार। गेस कर लो जिसने कमेंट किया, देख लेते हैं एंड पे और किसने सही गेस किया और किसने नहीं सही गेस किया। तो हमारा मोबाइल आ चुका है, तो अभी वेट करवाऊंगा आपको। नहीं करना वेट, नहीं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अभी निकालते हैं ये कौन सा क्या क्या चीज है इसके अंदर। भाई सबसे पहले तो ये पेपर आ चुका है ठीक है, पता है कितने दिए थे हमने। तो भाई साहब मोबाइल जो है ना वो पता कौन सा है, ये है आईफोन। और कौन सा आईफोन है तो देखते हैं ये कौन सा आईफोन है, क्योंकि पता तो मुझे है ना, तुम लोग हमारे मतलब बाप को मत सिखा, तुमको पता है तो बता देना। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। बट यार सच्ची एक बात बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला आईफोन ख़रीदा है और इतना महंगा मोबाइल भी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ख़रीदा है। मुझे इसका कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, अब है। उसकी वजह है कि मैं वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन, दो तीन तो परमानेंटली थे मेरे पास ऑप्शन। उनमें से एक कैनन का कैमरा था, C31, वो ले सकता था, उसके साथ लैपटॉप ले सकता था तो अच्छे से बना सकता था। लेकिन मेरे काम जिस तरह का मेरा काम है तो मैं उसको कैरी साथ नहीं कर सकता था, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन था कि आईफोन। और ये मैंने क्यों लिया ये मैं इस अनबॉक्सिंग के बाद आपको बताऊंगा कि मैंने ये मोबाइल क्यों लिया और मुझे इसकी ज़रूरत क्यों ज़्यादा पड़ी और इतनी जल्दी मैंने लिया। क्योंकि आप सबको पता है मैं तकरीबन एक महीने से कोई वीडियो नहीं बना रहा था और मेरे पास मोबाइल नहीं था। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि मेरा मोबाइल जिस पे मैं पहले वीडियो बनाता था ना वो टूट चुका था। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं जाके मोबाइल ले लेता 400-500 यूरो तक का, अच्छा मोबाइल सैमसंग का कोई ना कोई मुझे मिल जाना था तो मैं वो ले लेता। फिर मैंने सोचा कि यार अभी मैं 500-600 लगाऊं, फिर कल को मुझे कैमरा लेना है या आईफोन लेना है तो फिर मैं पैसे लगाऊंगा, तो उसके लिए बेहतर है कि मैं थोड़ा वेट करके एक ही बार अच्छे से पैसे लगा के और अच्छी डिवाइस ले लेता हूँ कोई। तो मेरे पास ये मोबाइल की ऑप्शन थी, आईफोन 14 प्रो मैक्स की ऑप्शन थी, तो मैंने सोचा कि आईफोन 14 ले लेता हूँ। आईफोन 14 जब मैंने अप्लाई किया और लेने के लिए गया तो मुझे आईफोन 14 प्रो भी नहीं मिल रहा था, और फिर मुझे पता चला कि आईफोन 15 प्रो मैक्स आ रहा है और वो कुछ नए फीचर्स के साथ आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार चलो उसका वेट करते हैं। मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स ओरिजिनल टाइटेनियम में अप्लाई किया था स्ट्रॉम से, तो ये आप ऊपर देख सकते हैं। मैंने जब अप्लाई किया तो तकरीबन अभी तक 1.5 महीना गुजर चुका है भाई, एक महीना गुजर चुका है और मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स नहीं मिला। बट ये आईफोन 15 प्रो मैक्स है ओरिजिनल टाइटेनियम में, तो ये मुझे कैसे मिल गया? चल झूठा। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड है और आप इतनी
इंटरेस्टिंग है कि यार आप ना मतलब के पागल हो जाएंगे कि यार क्या किस्मत भाई है इसने भी। तो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अनबॉक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ, मजा लेना है इसका अनबॉक्सिंग का। मैंने बहुत सुना है कि यार आप दुनिया का कोई मर्जी मोबाइल अनबॉक्स कर लो, बट जो इसका मजा है ना वो बहुत बहुत लाजवाब है। तो चले फिर मिल के अनबॉक्सिंग करते हैं। यार ऐसे लेक्चर देने का फायदा नहीं है, इसको अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। मजा भाई इसका ना एक अलहदा ही मजा है। ओ माय गॉड, मजा आ गया यार। यकीन करें कि मैंने इतना सा अनबॉक्स किया ना इसको, तो इसमें भी मजा आया। इसकी वाकई मतलब के जैसा आईफोन है ना, जैसे इसकी हाइप है तो वैसे इसका मजा आता है। बिस्मिल्लाह, ओह माय गॉड। तो ये ब्लैक में निकला है, तो इसके बाकी सिस्टम देखते हैं कि भाई क्या है। हमने तो ओरिजिनल टाइटेनियम बोला था, बट ये ब्लैक में आया हमारे पास, तो इसका बाकी भी सीन देखते हैं कि क्या सीन है और क्या नहीं है। भाई क्या बात है, जबरदस्त किस्म का ना मतलब के सिस्टम है इसका, और ये बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। अल्लाह मेरे भी नसीब करे और अल्लाह आप सबको भी दे। तो सी टाइप चार्जर है, अब इसको ऑन करते हैं। ऑन हो चुका है हमारा मोबाइल, और जबरदस्त किस्म का यार मोबाइल है, मतलब बहुत बहुत जबरदस्त। हेलो हेलो आईफोन। तो भाई मैं तो अभी बता नहीं सकता मेरी फीलिंग्स क्या हैं। मुझे लोग बोलते थे जब आप इसको ऑन करोगे ना, इसके अनबॉक्सिंग करोगे, तो आपकी बहुत डिफरेंट किस्म की फीलिंग होंगी। दैट राइट यार, बहुत मतलब के ना कमाल है यार, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ आईफोन, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि यार एंड है मतलब के। हाँ जी दोस्तों, मोबाइल हमने ओपन कर लिया है अपना, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ मोबाइल। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। ब्लैक टाइटेनियम में आई है, मैंने उनसे रब्ता किया था, तो उन्होंने बोला कि अब सही असल आपको कहानी सुनाता हूँ। यार मैंने मोबाइल में तकरीबन 1.5 महीना हो गया ना ये अप्लाई किया था, तो साइप्रस में अभी ना तो आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल रहा था, ना 14 प्रो मैक्स मिल रहा था। 14 भी नहीं मिल रहा था, तो आप सोचें कि 15 हमें कैसे मिल जाता। तो जब मैंने अप्लाई किया तो 1.5 महीने हो गए मुझे इंतज़ार करते, 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे इंतज़ार करते हुए, तो जब मोबाइल नहीं मिला तो मैं आज 14 प्रो मैक्स ही लेने गया था। आज मेरी एंड हो गई थी कि भाई मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था और मेरे पास और मोबाइल भी कोई ऐसा नहीं था जो कि अच्छा यूज़ कर सकूँ प्रॉपर तरीके से। तो मैं जब दुकान पर पहुँचा, शॉप पर पहुँचा, वहाँ से इलेक्ट्रोलाइन से मैंने जो मोबाइल ख़रीदा, पता चला था मुझे कल वहाँ से ना कि वहाँ पर आईफोन 14 प्रो मैक्स पड़ा है 256 GB। तो मैंने सोचा कि भाई ले लेता हूँ। तो जब आज लेने के लिए गया तो अचानक ही मुझसे 1 मिनट या 2 मिनट बाद उनकी शिपिंग आ गई। तो जब वो सामान आया गाड़ी पे, तो मैं ऐसे बातें शातें कर रहा था, वो एक लड़का मुझे वहाँ पे जानता है सिक्योरिटी है यहाँ का, तो मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा यार मोबाइल एक नहीं है कोई और एक्स्ट्रा, तो मुझे कहता है 15 प्रो मैक्स। मैंने कहा सच में? तो मुझे दुकान वाला मुझे कहता है कि आईफोन 15 प्रो मैं पूछता हूँ, अगर इसके पास पड़ा है तो वो तू ले ले। तो मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। तो मैं लेने आईफोन 14 प्रो मैक्स गया था, बट वहाँ पे ये ब्लैक में एक ही उनके पास पड़ा था, तो जो कि मुझे मिल गया। आई एम सो लकी कि मैं जिसके पीछे इतने दिनों से भाग रहा था, और मैं लेने के लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स गया, बट मुझे मिल गया आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि मुझे ब्लैक में मिल गया। मैंने तो वो टाइटेनियम ओरिजिनल जो टाइटेनियम में आया था वो वाइट कलर या सिल्वर कलर आप उसको बोल सकते हो उसमें, बट मुझे ब्लैक मिल गया, मुझे मेरे लिए ये भी बेटर है। तो ये ऐसा सारा सीन हुआ है हमारे साथ, बट आई एम सो लकी कि यार मुझे
जो चीज मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया। तो दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी आपको धड़ा 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 धड़ धड़ धड़ा धम वीडियो मिलेंगी, और एक बंदा मुझे देख रहा है, मैं उसके लिए हंस रहा हूँ। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।